दोस्तों भाखरी नदी फिर उफान पर, देख सकते हैं आज जलस्तर काफ़ी बढ़ा दिख रहा है। और ये देखें सरकार सद्बुद्धि महायज्ञ आज भी जारी है, आज शायद चौथा या पांचवा दिन है। अंतिम तीन अंक की केवल गायत्री मंत्र की ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही होगी। दोस्तों लोग बहुत परेशान हैं, तब जाकर सरकार सद्बुद्धि महायज्ञ किया जा रहा है और कई वर्षों से परेशान है। कल मैंने दिखाया था बहुत बुरा हाल हो गया है इस टोल रोड का, खासकर भाखरी गांव में कई कई फीट तक गड्ढे हो गए हैं, देखें कितना पानी भरा हुआ है। यज्ञ जारी है सरकार की सद्बुद्धि के लिए, ये देखें हवन। गांव के निवासी और समाज सेवी सतेंद्र फागना ने इस महायज्ञ का आयोजन किया है और रोजाना चल रहा है। कल रविवार को ये लोग कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, ऐसे सूत्र द्वारा जानकारी मिल रही है। इस सड़क पर जो पानी भरा है, गांव वालों ने इसे भाखरी नदी का नाम दिया है और काफ़ी ज़्यादा भरा है। टोल वाले शाम को थोड़ा बहुत पानी निकालते हैं लेकिन फिर भर जाता है, देखें कैसे गाड़ियां आ जा रही हैं, किनारे से गाड़ियां आती हैं, कोई अगर भूले भटके बीच से आ गया तो गाड़ियां बंद हो जाती हैं क्योंकि काफ़ी पानी भरा है। आप देख सकते हैं उफान पर एक तरह से भाखरी नदी, जिसके किनारे सरकार सद्बुद्धि महायज्ञ चल रहा है, हवन वगैरह किया जा रहा है। इस महायज्ञ में देख सकते हैं महिलाएं भी शामिल होती हैं। आपको फिर बता दें कि इस सड़क का टोल वसूला जाता है, लोग देते भी हैं लेकिन सड़क नहीं बनती। कई वर्षों से धरना प्रदर्शन जारी है। अब महायज्ञ हरियाणा, अब तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।